To call upon one of the probably the biggest stars that we have on social media in Pakistan, and आपको मौका दूंगा कि आप जाके उनको receive कर सकते हैं, although show मेरा है, लेकिन for old time's sake, please welcome Mahira Khan. माहिरा खान, यस वासी चौधरी. तो ये वैसे कितने अरसे बाद आप लोग इस तरह दोबारा स्क्रीन पे बिन रोए के बाद अब नजर आए हैं? जी हाँ, उसके बाद आप भी फिल्में कर रही हैं, आप भी फिल्में कर रहे हैं, व्हाई नॉट? वैसे एक दो साल का तो हमने खुद सोचा हुआ था कि हमने एक साथ काफी काम कर लिया. हाँ, तो क्या इतना ज्यादा एक ही बार में कर लिया कि उसके बाद कोटा पूरा हो गया? हमने वैसे ये भी खुद भी बोलती थी कि हमें अब एक दो साल तो थोड़ा दूर रहना चाहिए. डू यू स्टिल स्टिक टू दैट कि आपको दूर ही रहना चाहिए? No, actually, to be very honest, I think we need to do something together very soon. But when? Yeah, whenever Nadeem decides. अच्छा, बात नदीम पे आ गई हुई. हाँ, बात अब नदीम पे आ गई है. मैं actually I don't mind doing a drama with Humayun. Drama भी कर सकते हैं. Why not? हाँ, क्यों नहीं? Something कोई अच्छी चीज आए तो फिर film और drama. चाहे film हो या drama हो. आप वैसे काम तो कठे नहीं किया, लेकिन आपने हुमायूं सईद का काम देखा recently? आपने उनका drama देखा? जी. कौन सा ड्रामा था वो? मेरे पास तुम हो. कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, कैसा लगा आपको उनमें? मगर मेरे पास आप हैं. हाँ, नहीं तो वो तो आपने क्लेम भी कर दिया अभी. मगर कैसा लगा इनका काम उसमें? I've worked with a lot of actors, new actors, very big actors, but I don't think there's anyone like Humayun. ओए होए होए, और क्या चाहिए? हुमायूं सईद जैसा. घबराना नहीं है. घबराना नहीं है. But I mean it. आपने इनकी फिल्में देखी हैं? हाँ, फिल्में देखी हैं आपने? जी, जी. कौन सी फिल्म देखी थी लास्ट आपने इनकी? पंजाब नहीं जाऊंगी. अच्छा, how was he in पंजाब नहीं जाऊंगी? Excellent. Excellent. Yeah. Which is great. कि आपका ये जो एक फैन क्लब है, ये नॉट जस्ट कि सिर्फ फैंस के अंदर है, आपकी को एक्टर्स भी आपके उतने ही बड़े फैन हैं. ये आपको कैसा लगता है वैसे? बहुत खुशी होती है. बहुत खुशी होती है आपको? स्पेशली इसके साथ काम किया हुआ है, और जब आपके साथ आपका को एक्टर आपकी तारीफ करे तो और भी खुशी होती है. और ये मुझे पता है दिल से करती है जब भी तारीफ करती है. तो वैसे एक बात बताएं, अगली चेंजेस, ही इज हिज होल बॉडी लैंग्वेज हैज चेंज्ड, राइट? है ना, ये 5 साल में बहुत बदल गया. नहीं नहीं, अभी 5 साल नहीं. अच्छा, मगर मुझे बात बताएं, अगर कोई आप लोगों को मौका मिले इकट्ठे फिल्म करने का दोबारा, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म वुड यू लाइक टू डू? उफ, रोमांस है ना. रोमांस, रोमांटिक फिल्म करना चाहती हैं, ड्रामा हो उसके अंदर. हुमायूं सईद भी रो रहा हो, आप भी रो रही हो, ऑडियंस भी रो रही हो, सब रो रहे हो. नहीं नहीं, रोए बगैर भी हो सकती है, बट थोड़ा सा तो रोना होना चाहिए ना, इसलिए आपने बिन रोए कर ली थी. हाँ. वैसे मुझे बात बताएं, इन्होंने तो बताया, आपके ख्याल में ये कैसी को एक्टर है? हाँ. बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनती. अच्छा. हाँ, एक मतलब ये सीन्स के कुछ सीन्स ऐसे होते हैं ना, जो मैं भी बोलता था कि बस हो गया ना, ठीक हो गया. नहीं 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 नहीं, ये वापस होगा, वापस होगा. आप क्यों बोलते थे बार बार ठीक हो गया? मैं पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं भी मानता था इसकी बात. और ये फिर इसने, खैर मैंने लास्ट जब बिनरोए की है, लेकिन जिस दिल से इसने वो काम किया वो नज़र भी आता है, सबको नज़र आया.
बहुत हमने काम बहुत मेहनत से किया, बहुत मेहनत से किया, और ये मेरे पहले एक्चुअली काइंड ऑफ को-एक्टर हैं नियत में. नियत वाज माय फर्स्ट सीरियल, तो उसमें ये आए थे और प्रोड्यूसर भी थे. आई वाज रियली स्केयर्ड दो, बिकॉज मैंने सुना हुआ था कि हुमायूं जरा से यू नो क्या वही वही क्या मतलब कि कुछ मतलब कुछ क्या है, कुछ आशिक मिजाज है. हाँ, आशिक मिजाज है. अच्छा, ये आपने सुना हुआ था इनके बारे में, तो क्या हुआ? एंड आई वाज न्यू, एंड इट वाज माय फर्स्ट सीरियल, सो आई वाज अ लिटिल स्केयर्ड. एंड यू वर अब्रॉड एज वेल, आई बिलीव यू वर इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में थे, तो वहां पे क्या? बिल्कुल, ये अकेले. अब आप ये सोचो, ओए होए, ऊपर से ये अकेले. र्यूमर है कि आशिक मिजाज हैं, तो क्या इनके आशिक मिजाजी के सिग्नल आए वहां पे या नहीं? आई डोंट थिंक हुमायूं ईदर, आई डोंट नो, प्लीज द कैमरास आर ऑन, आई एम गेटिंग नाउ. सो नहीं, व्हाई बिल्कुल आशिक मिजाज नहीं, आशिक मिजाज नहीं है बिल्कुल. ये नहीं, हमारी हम दोनों की दोस्ती हो गई थी जल्दी. नहीं, हम दोनों नीचे गए और हम लोग बर्गर खाने गए. अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये मैं अब अकेली हूँ इनके साथ, मैं इनको बता देती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ. तो मैंने इनको कहा कि यू नो, मैंने आपके बारे में ये चीज़ें सुनी हैं और मेरे साथ नहीं कर रहे. तो ये इतना हंसे, सही तुम पागल हो. फिर आगे से उन्होंने मुझे एक और चीज़ भी बोली. उन्होंने कहा, मैं कभी लड़की के पीछे नहीं जाता, वो तो मेरे पीछे आती हैं. जी, ये देखें, आपने 2013 में ये बात बोली होगी, उनको आज तक याद है. No, no, and he protected me, he took care of me like a baby. I must say that's a very, very good gesture by you, and that proves that the kind of gentleman he is, despite the fact कि वही जो rumors और जो हम सुनते हैं इनके बारे में, और अक्सर बेशतर मजाक होता रहता है कि ऐसे हैं और वैसे हैं, लेकिन reality आपके सामने, I don't want to say the horse's mouth. आपके सामने मायरा खान ने खुद बताया है कि वो कैसे हैं. That's what I keep telling him. याद है उस दिन जब हम बैठे हुए थे? मैंने क्या कहा था आपको? क्या मुझे ये नहीं मजाक अच्छे लगते जो लोग करते हैं आपके बारे में. कोई दो अच्छी चीजें तो बता दें. अच्छा, दो अच्छी चीजें ये है that he doesn't take himself seriously. ठीक है, that's great. Okay. और कोई अच्छी चीज? Second thing is that for me, I think he is जिस तरह ये अपने सारे घर वालों का ख्याल रखते हैं, वो आई थिंक बहुत कम बोला जाता है, और इसलिए नहीं बोला जाता, ये खुद he doesn't mention it. So he wears all his achievements like a t-shirt. और अब दो बुरी चीजें बताएं. दो बुरी चीजें ये हैं कि नाक जरा मोटी है. मेरी ना नहीं, मेरी वो कह रही मेरी. मेरे सामने तो आप दोनों के कहना बनता भी नहीं. बुराइयां बताने में हेल्प कर रहा था. आप बहुत घबराई, मुझे बताइए मेरे बारे में कोई दो अच्छी चीजें बताइए. आई थिंक यू आर आल्सो इनसेनली काइंड ह्यूमन बीइंग. ओके, आई थिंक द सेकंड थिंग गुड अबाउट यू इज दैट यू आर, यू ट्रूली बिलीव इन एवरीबॉडी इज इक्वल. आई हैव नेवर सीन यू, मैंने कभी भी आपको किसी बड़े से बहुत अच्छी तरह या किस कोई और जो है उससे एक अलग तरह डील करते हुए नहीं देखा. ओके, अब मुझे दो बुराइयां बताइए. दो बुराइयां, पहली बुराई ये है कि आप को लगता है कि आप नेशनल टीवी पे हमें आउट कर सकते हैं, मुझे स्पेशली. ठीक है, आई मीन इट्स नॉट फनी. ओके, ठीक है. ओह या, द फर्स्ट गुड थिंग इज दैट यू आर फनी आल्सो. ओके, आई मीन सेंस ऑफ ह्यूमर इज क्लास. ओके, ठीक है. सेकंड बैड थिंग इज यू कैन एक्ट मोर, यू शुड एक्ट. इसलिए अब मैं फौरन आपको यहां से निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा काम बच चुका हुआ है. And we're going to take a short break over here. We'll be right back. If I say inshallah, they're like, but you did this. Yeah, exactly. बात अब शाहरुख, तुम्हारे सामने तुम बैठी हुई हो, पकड़ो उसको भाई. And welcome back. Here we have Mayra Khan without Humayun Saeed now. कैसा लग रहा है आपको उनके बगैर? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. माहिरा जी, yes. 6.2 million followers on Insta. Tell me something, do you take your followers seriously? This number? No, number? Never. I've never taken it seriously. I take my fans very seriously. They all know that, but I honestly don't. मुगल-ए-आज़म देखी हुई आपने? जी. कैसी लगी थी आपको? I liked it. Liked it. Yeah. मुगल-ए-आज़म में आपका favorite character क्या था? I loved Madhubala. I love Dilip Kumar. Anarkali. Anarkali. Anarkali ka character aapko pasand tha? Mujhse mere khwab na chheeniye shehzade. Main mar jaungi. Ye dekhiye, pata chalta hai ki kitna zabardast inko wo scene laga hoga. Mujhe ye bataye, abhi recently humne dekha tha aapka ek bada mashhoor hua tha, I think online session tha, chat session tha with Hasan Sheriar.
उसके अंदर आपने बड़ा एक बम फोड़ा, उसके बाद आपके फैंस जो थे वो बहुत अपना दिल छिल पकड़ के बैठ गए। तो ये इस न्यूज़ के लिए आपने हसन शहरयार का इंतखाब क्यों किया था? एक्चुअली सच पूछें तो मैंने बिल्कुल उनका इंतखाब या किसी का भी इंतखाब नहीं किया था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ एट ऑल, बट क्योंकि शेरू नहीं, क्योंकि शेरू जानते थे तो वो, अब आई सेड कि मुझे नहीं बात करनी, लेकिन फिर वो बात से बात, और फिर उनसे नाम भी स्लिप हो गया और सब कुछ उनसे नाम स्लिप हो गया था, और आपने उसको वो नहीं किया, आई एम नॉट गोइंग टू बी समवन हु इज गोना डिनाई समथिंग व्हिच इज द ट्रुथ। मुझे एक बात बताएं, पहले तो आप बहुत डिप्लोमेटिक होती थी ऑन सोशल मीडिया, यू सी वेरी कैलकुलेटिव, अब रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा कि आप बड़ा हेड ऑन लेती हैं चीज़ों को, आपकी ट्रोलिंग भी होती है आप उसको भी हेड ऑन लेती हैं, जो आपके व्यूज़ हैं आप काफ़ी हद तक उनको किसी ना किसी तरह एक्सप्रेस कर देती हैं, ऑल दो देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस इन द वे दैट यू टॉक अबाउट देम, बट स्टिल इट्स मच बेटर देन व्हेन इट ऑल बिगन। आई थिंक ऑब्वियसली जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, एंड आई एम नाउ अ मच ओल्डर पर्सन, आपकी ओपिनियंस भी स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं, यू नो, और आपको ये भी लगता है कि मेरे पास ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो एक आवाज़ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट आवाज़ है। सो समटाइम्स यू गो रॉन्ग, समटाइम्स आई फेल्ट कि वाई डिड आई से दिस, एंड समटाइम्स आई एम ग्लैड दैट आई हैव सेड इट, बिकॉज आई हैव सीन कि जैसे ही मैंने बोला लोगों को हिम्मत मिलती है, क्योंकि इफ शी इज सेइंग इट देन आई विल ऑल्सो से। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अपना फोन निकालिए। निकाल लिया, उस पे व्हाट्सएप खोलिए। व्हाट्सएप खोल लिया, ठीक है। अब आपने ये मैसेज अपने कोई 6 दोस्तों को सेंड करना है विदाउट एनी मैसेज बिफोर दैट और आफ्टर दैट, ठीक है? आपने लिखना है, बालों में आज बहुत खुश्की हो गई है, व्हाट शुड आई डू। उर्दू में लिखिएगा, बालों में बहुत खुश्की, एज इन रोमन में। रोमन में, हाँ, अच्छा। मगर सो कैन आई आस्क यू कि मैं एक ग्रुप पे सेंड कर सकती हूँ? नहीं, आप ग्रुप में सेंड कर लें अगर आपको जवाब आएंगे आपके ख्याल से वहाँ पे। हाँ चलें, अच्छा एक और ग्रुप में भी भेजती हूँ, ठीक है? अरे वाह, बट अब एक ये ग्रुप है और ये मेरे अपने मेकअप आर्टिस्ट का भी ग्रुप। जो क्लासिफिकेशन की हुई है माहिरा खान, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बिरयानी ग्रुप है और एक बर्गर ग्रुप है। हाँ, and I love the biryani. ठीक है जी, हाँ जी, चला गया ये, चला गया। ठीक है, तो मैडम पहले बताएं आपके इंस्टा को खोलें या आपके ट्विटर को खोलें? ओह अल्लाह, किसी को भी ट्विटर खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू नो हाउ टू कुक दैट यू लव? दिस मस्ट बी मेरा आस्क मायरा सेशन होता है ना, ये बहुत पुराना। जी, बिल्कुल आस्क मायरा सेशन है। तो आपको एग्स पसंद हैं? एग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अंडे, अंडे बनाना जी, कौन कौन सी टाइप आती है आपको? मुझे हर सारी टाइप आते हैं, ऑमलेट, आई कैन मेक चीज ऑमलेट, फ्राइड अंडे, सितारों वाले अंडे। आपने कभी खाए सितारों वाले अंडे? नहीं। ओहो, सितारों वाले अंडे क्या होते? इट्स स्पेशलिटी है, ये मेरे अब्बा। नहीं 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 नहीं, अब्बा बनाते हैं, डिलीशियस। उसमें एक्चुअली, अच्छा नहीं वो मैं नहीं बता सकती। ओह अच्छा, सॉरी, ये तो पेटेंट का मसला भी पड़ गया। मगर ये सितारों वाले अंडे होते हैं। ओहो, my father makes the most delicious sitaro wale. And how can one get to eat this? You come over, my mother will be very happy. Ji, moving on, ek controversy hoti hai, aap us pe comment karti hain. I am shocked at what I have just heard and seen. Sick to the core. The same man who abused a woman on TV is revered and given project after project because of what? We are as much to blame, if not more, for perpetuating this thinking. Hashtag Khalil-ur-Rehman Kamar. अच्छा नहीं, मगर इंटरेस्टिंग बात है, 5:01 पे आप अंडे पराठों के बाद ये ट्वीट करती हैं, और 5:25 पे आप उसकी एक फॉलोअप ट्वीट करती हैं। आई पर्सनली थिंक इट्स इम्पेरेटिव दैट दोज दैट स्टैंड विद द आइडिया ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स शुड राइट एंड स्पीक विद क्लैरिटी। अ लॉट गेट्स लॉस्ट व्हेन यू ट्राई टू मैच जहालत विद जहालत, अब्यूज विद अब्यूज। यस, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। यस, आई बिलीव दैट। Contradictory? Not at all. Yeah, like, do you think maybe it, as an afterthought you realize ke... Not at all. The first tweet was obviously there was anger, very instinctive. Okay. But the other tweet was probably after I went through what people were saying, right? Sabse badi problem ye hai ki agar koi gaali de raha hai, to hume lagta hai hum bhi gaali de, right? That's why I said that it's imperative that if we are talking about feminist rights and rights for women and equality, then we've got to, because we have to talk about a very important subject. And it was a very big thing for me to say what I did about Khalil Saab, because I respect him as a writer,
I have done one of his most beautiful plays. Yeah. And again, I'm separating the artist from the person. But can we do that? That's the thing. Can we do that? It's a difficult call. So, and aapko pata hai kya hua? Jab maine ye tweet kari, to two sides were completely against me. And I was just like, dude, like, no one has the guts to even do this, right? And I'm doing this because I truly believe ki inhone jo jis tarah ki baatein boli hain, ye nahi theek. वैसे, how was the experience of the Punjabi film? Oof, amazing. पंजाबी में कोई अपने पंजाबी आपके इतने फॉलोअर्स हैं, कुछ तो नहीं, कुछ तो आपको पता होगा, कुछ तो कहें, नहीं, कुछ तो आपने इतनी सीखी है, कोई फिल्म का डायलॉग सुना दें। विमोलिया, एना नु दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। तो मौला कहता है, मैं नु पक्की पक्की नहीं, कच्ची कच्ची चाहिए है। तो ये जो कच्ची पक्की किस्म की बिलाल अशारी पंजाबी, आपने इनको बोलने से मना किया हुआ था, आई डोंट नो क्यों, अच्छी खासी तो उन्होंने बोल दी है, आप एम ही घबरा रहे हैं यार, और घबराना नहीं है। चैनल आपका लगा दिया मैंने, चैनल यार उधर लगा हुआ है ऊपर, एक तो आप चैनल पता नहीं कौन से देखते हो, वो लगा भाई मैंने ना उसमें पासवर्ड सेट कर दिया, आपको बता रहा हूँ दोबारा यार। अबे बिल्कुल मायरा की तरह किए आप। अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा आप बिल्कुल मायरा की तरह दिखती हो? ये आपको कहा है कभी किसी ने? एक दो लोगों ने कहा आप, क्योंकि आप यकीन करो सिस्टर, आप बिल्कुल वही लगती हो। सिस्टर कह रहे हैं ना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं भाई जान। ओ, मुल्क की इज्जत के मसले होते हैं, आपको क्या पता है यार। ओ, अच्छा। तो एक दोनों में गाड़ी चला रहा था, ड्रामे की शूट चल रही थी, तो कुछ लेडीजें थी जो एक्टिंग करती थी मायरा के साथ। ओ, अब वो लड़कियां जो बैठी हुई थी ना, वो मायरा को कह भी रही थी कि बहुत प्यारी लग रही है, और क्रिटिसाइज भी कर रही थी। वाह वाह, अजीब लड़कियां थी, बोल रही है यार मायरा ना खुल के नहीं आई सामने, प्यारी बहुत लग रही थी, लेकिन यू नो थोड़ा 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 दबी भी थी यार, हमका ड्रामा नहीं है, शाहरुख है सामने, खुल जाए। लग बहुत प्यारी रही थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात अब शाहरुख तुम्हारे सामने, तुम बैठी हुई हो, पकड़ो उसको भाई। ऐसी लड़ीजें थी, अब यकीन करो ऐसी लड़ी, मेरा तो एक ही यार, आपके पास तो सब आते हैं यार, कभी मायरा आए ना यार, मेरी एक ख्वाहिश है सिर्फ कि मायरा के फोन में जो एस की सीरीज में आप जाओगे, शाहरुख का नंबर होगा उसके पास? होगा यकीनन यार, आप मुझे व्हाट्सएप तो करो ना वरना। मायरा बहुत अच्छी लड़की है यार, उसको पता ही नहीं था वो बम्बई गई है ना पहली दफा, वो करण जौहर को समझ रही थी ये मोहम्मद अली जौहर का बेटा है। नहीं, और रहता भी गुलिस्तान जौहर में, क्योंकि करण जौहर, ये समझ रही थी यार मायरा। बात सुनो यार, आपने व्हाट्सएप किया क्या मेरे को? व्हाट्सएप? अबे मेरे को व्हाट्सएप किया, नंबर आ गया, शाहरुख को ट्राई तो करूं। हैं? हेलो, आई शाहरुख, अबे इतना फारिग चल रहा, मेरा भी फोन उठा लिया। हाँ, फिल्में फिलॉप हो रही है क्या यार? बेचारे के पास काम नहीं है यार, दिल टूट गया यार। हैं? यार आप मायरा से, अब मैं मायरा से जुगाड़ करता हूँ, आपका ARY में ड्रामे में करा देते हम लोग। हाँ, जर्जीत से ना एक लड़का, जर्जीत सेजा, अबे बॉम्बे का नहीं है, कोई भाई भाई वाला नाम रख लिया है, ARY उससे करा देता हूँ आपको, कोई ऐसा मसला नहीं, भाई हो आप हमारे, सलमान का भी करा देते हैं ठीक है, लेकिन पाकिस्तान है ना, उसको कपड़े पहनने पड़ेंगे यार। अबे क्या कर रहे हो तुम? चलो ठीक है, ओके, अच्छा भाई जान ठीक है ना, फिर मैं चलता हूँ यार, आप बिल्कुल मायरा की तरह हो सिस्टर, आप यकीन करो आप मायरा हो। चलो मायरा है तो बताना यार, मैंने तस्वीर भी खिंचवानी है उसके साथ, बाकी केबल मैंने ठीक कर दिया है। थैंक यू। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है आपकी लास्ट पिक्चर में कितनी लाइक्स आई थी? नहीं, बट आई हैवंट पोस्टेड आई थिंक इन अ फ्यू डेज। अच्छा, आपको पता है आपकी पहली पिक्चर जिसपे आपकी शक्ल नजर आई थी इंस्टाग्राम पे, जो आपने खुद पोस्ट की थी, कितने लाइक्स थे? 14,000। मुझे याद है, व्हेन आई केम ऑन इंस्टाग्राम एंड देयर वाज दिस बिग थिंग एंड आई हैड पोस्टेड अ वीडियो एंड It's been amazing, honestly. Meri cousin Amisha mujhe kehti hai, Mama, nobody wants to see these pictures that you put, you know, the sky and this and your makeup artist and your this and your that. People want to see your face. Why don't you, you know, like your shoots and this and that. But I just feel ki jis din maine, my Instagram as well as my Twitter is my space, you know. No, tell me ki ye karo ya wo karo. Okay, that's great. That's the way it should be.
ये एक पोस्ट पहली एंड इट सेज द लुक ऑफ लव. ये किसका हाथ है जो खुशनसीब ये लुक ऑफ लव ले पा रहा है? डू यू रिमेम्बर? या आप ये मत पूछें किसका हाथ है. अच्छा. आप ये पूछें कि इस वक्त गाना क्या था. इस वक्त गाना क्या था? अनारकली डिस्को चले. अरे अनारकली फिर से आ गई. हाँ बस अब नेक्स्ट पिक्चर. ठीक है. ये तस्वीर को जरा एक्सप्लेन करिए हमें और इसके नीचे जो कैप्शन है. क्या तस्वीर है? तो चले हैं जो रिश्ते में तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बाप लगते हैं. क्या लाइन है. आई लव इट. प्लीज तालियां इस बात पे. जी अल्लाह मैं अपने लिए तालियां बजा रही हूँ. नहीं नहीं वो आई थिंक इट्स अ रियली कूल लाइन. अच्छा तो रिश्ते में तो हम भाई मैं ऐसी बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी यार मैं अगर मैं कुछ नहीं करूं अगर मेरा काम ना होता और वैसे भी यू नो दिस अबाउट मी एक डिसीजन लेना है तो बस वो यू नो आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर. तो एकदम से मैं सोचती थी मैंने कहा रिश्ते में तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बाप लगते हैं. एक और कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है इन्होंने लिखा कि रिश्ते में तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बाप लगते हैं. नीचे आयशा उमर लिखती हैं और हम माँ. तो ये जो माँ बाप की आप लोगों ने वहाँ पे सीरीज चलाई ये दैट्स अमेजिंग दैट्स सो कूल. ये तो मैं मतलब आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू कि ये कपड़े आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं. इट वाज द कार्ल लागरफेल्ड शो सो आई थॉट यू नो मेक यू नो पेरिस कार्ल लागरफेल्ड सो यू नो यू फील लाइक इट. वैसे हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इन पेरिस? अमेजिंग. एंड देन द बेस्ट मोमेंट वाज डांसिंग विद हेलेन मिरन. या हेलेन मिरन हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अमेजिंग. She asked me about Imran Khan, she asked me about Pakistan, it was amazing. What an experience, what a what woman, an actress, what an exactly. actress, what an what actress. actress. Bilkul. Achha, ek aur jo ki tasveer hume badi aapke us pe lagi interesting. Ek superstar, social media par, mardana actor, cigarette. To ye isse aapko kuch yaad aaya? Ji. Kya kahengi aap uske baare mein? No, what is the question? How did it affect you? Oh, it still shows up everywhere. Yeah. No matter what I say. Hmm. If I say Inshallah, they're like, but you did this. Yeah, exactly. I'm like, okay. Like, Eid Mubarak, but remember this. I'm like, okay then. So I think now it's just like, now I'm just like, you know, okay, fine. Us waqt, what I went through, I think it was the biggest learning experience of my life. That kind of trauma that you can experience because you know it was not just social media, it was headline news every day. I personally don't think that there was anything worth a headline news. Itni badi baat nahi thi. Yeah, but that's what they did. And personally I went through something very big because ye to meri personal ek moment tha, ye ek professional thodi moment tha. Aap dekhna chahengi tasveer wo dobara? Nahi. लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा. घबराना नहीं है, मेरे शो का कॉन्सेप्ट ये है. व्हाई वुड यू पुट इट ऑन? आई डोंट इवन वांट टू सी इट. देख अच्छा चलें. पर क्या हो गया? मुझे नहीं पर्सनली समझ आता कि आप क्यों घबराती हैं इस तस्वीर से इतनी. ओह माय ब्लडी. शेरयार मुनव्वर की एक बचपन के जमाने की तस्वीर है. वो सिगरेट पी रहे हैं जो कि नहीं पीनी चाहिए उनको और वो तस्वीर आपने लगाई हुई है. I am leaving. This is not घबराना नहीं है. You're right. This is घबराना नहीं है. Exactly. ये तो बिल्कुल वही है. क्या? कि हमें कह रहे हैं घबराना नहीं है जब घबराने की पूरी बात है. क्या? ये बिल्कुल सही नाम रखा है शो का. ये वैसा ही घबराना नहीं है. So that's the motto of the show. I know. लेकिन like I told you, ये वो वाला घबराना नहीं है. हाँ. जब जब ये आपको बताया जाए आपको घबराना चाहिए. और तो फिर हमारे पाकिस्तानी आवाम वाला हाल हो गया. कि जब जब बोला जाता है तो पता होता है कि घबराना है यहाँ पे. एग्जैक्टली. एक और आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. जी जी. यू गॉट अ पिक्चर ऑफ थ्री लेडीज. ओके. मधुबाला, मीना कुमारी एंड माधुरी दीक्षित. व्हाट्स अप विद दैट? मेरे लिए मधुबाला, मीना कुमारी, जस्ट द यू नो मधुबाला का वो एक जो इनोसेंस था या उनकी मूवीज. आई एम अ बिग मधुबाला फैन. एंड इवन मीना कुमारी जी, उनकी जो द ट्रेजेडी इन हर आईज एंड जस्ट हर वे. एंड देन देयर इज माधुरी. दे आर द रीजन व्हाई आई एम एन एक्ट्रेस. दे आर द रीजन व्हाई आई वांट टू डू फिल्म्स. वाओ. मधुबाला, मीना कुमारी और माधुरी की वजह से? आई मीन बहुत सारे और रीजंस हैं लेकिन ये तीनों मुझे जब मैं इनका काम देखती हूँ आई एम जस्ट फ्लॉड. बीसी ब्रो यार तू यहाँ बैठा है मुझे कॉलेज कॉल से कॉल कर रहा हूँ ब्रो. तूने फीफा नाइट मिस कर दी ब्रो. तूने सच में तू जीटी पे भी नहीं आया यार.
Hi. Huh? Looking at you. What was it? Looking back. Back at you. Myra. Myra, magar aap kaun hain? Bro, producer ka beera hoon. Producer ka beera? New nepo kid on the block. Is that what they're calling it these days? I don't know. I'm not one. See, the thing is, Myru. Myru. मेरे ताया साईं का सेट है और ये यहाँ पे आके इसको हम पैसे देते हैं. अच्छा. We pay him. But like respecting him, bro. कोई respect नहीं करता. Bro, यार, वासे यार. Bro. I mean, ताया का सेट है, bro. मुझा गार्ड. मुझे गार्ड बाहर बिठाएं. माँ, इकड़ो फोन कंदुम ना. इकड़ो फोन मुझे देवा. इकड़ो तुम शाह साहब के कुछ. Nephew, bro. मैं कल रात को Myru. यार, ये तो बहुत जलस है मुझसे. तुम समझोगी मेरी फीलिंग्स को यार. देखो हुआ ये कि मैं रात को वैसे यू नो मैं बहुत नोमैडिक लाइफ जीता हूँ बिकॉज़ आई एम ऑलवेज लाइक कभी टोरंटो कभी लाइक एलए 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 या सो लाइक यू नो रात को कोरोना बेबी कोरोना कोरोना बेयर एनीवे सो रात को लाइक मैं पहुंचा ब्रो और लाइक प्राइवेट चार्टर यू नो Myru स्टोरी Myru क्या होता है Myra खान का आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है So, what's your name? SSS. SSS. Sai Sikki Shah. Sai Sikki Shah. Yeah, bro. Yeah. Anyway, so my story. So, bro, I was in Malaysia one day. Like, I think I was going to a party or something. So, like, I was sitting there and like, I got a phone from Pakistan. Whose phone came? Aladino. 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 My God. Aladino. Kahe na aap? Aladino. Kya hota hai? ऐसे बोलते हैं गोट में ऐसे बोलते हैं ब्रो मेरे गोट में सब ऐसी बात करते हैं तो लाइक उसका फोन आया एंड ही इज लाइक अदा हम अच्छा पे हो मलेशिया था अच्छो तो वो जो Myra जी मूवी है Myra जी मूवी है डैडी सोनी पे लगे मूचो ब्रो मैंने उसको बोला कि यार चल तू इतना इंसिस्ट कर रहा है चल के देखते हैं तब मुझे पता नहीं था Myru कौन है मतलब MTV का उस जमाने से याद थी थोड़ी सी लेकिन मैंने कहा यार पता नहीं अब कहाँ गई क्या आई मेड द एफर्ट थैंक यू तो मैं सिनेमा में गया ब्रो और मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ मूवी देख रहा हूँ एंड मुझे एक एपिफनी हुई ब्रो एपिफनी मैं वहां से निकला एंड आई वाज अ चेंज्ड मैन रियली यू चेंज्ड माय लाइफ Myra सायू आई डोंट थिंक मुझसे बहुत कंफर्टेबल है ब्रो बहुत ही कंफर्टेबल है लाइक मैं स्वैग है ना यार तू थोड़ा सा सीख मुझसे ब्रो मगर आप थोड़ा सा उधर बैठे सॉरी आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन एंड स्पेशली आई नो या सो लाइक ब्रो मैंने वो मूवी देखी मैं फ्लैट हो गया ब्रो फ्लैट एकदम मक्खन मर मैं कहा यार लाइक माँ पंजे डैडी के फोन के हो मुझे मुंजी शादी जे किया ना वो Myra सा थी ओ तो मैंने कहा मेरी शादी Myra से होगी वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं ओ तो फिर मुझे पता लगा कि आज Myru आ रही हैं तो मैंने थोड़ा सा अपना स्वैग ऑन किया और मैं आ गया ये वैसे स्वैग आपने ऑन किया ये कोई खास इसके पीछे Myra को बेल्स रिंग हो गई है ब्रो यू आर लेट टू द पार्टी यू आर लेट टू द पार्टी ओके पार्टी ऑन करना है क्या सॉरी करनी है मेरी भी पार्टी ऑन करने है पार्टी ऑन करना है बिकॉज़ मैं Myra से इंस्पायर्ड हूं ब्रो लाइक डीप डाउन ब्रो तो ये पार्टी आई लव इट ऑन कैसे होगी क्या ऑन वो ऑन वो हो गई क्या मतलब है ऑन तो वो है हम हैं ऑन सिकी मैं एक्चुअली इंटरव्यू आई एम नॉट सिक नो साइंस सिकी या दैट्स आई एम आई लाइक इट इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू देखो मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं ब्रो तो आप कैसे जाएंगे मैं मेरी दो रिक्वेस्ट हैं वो क्या है Myra से तो रिक्वेस्ट ये है पहली रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा लाइक सिंस लियो ब्रोज आए हुए हैं इतने प्योरे लग रहे हैं और मैच भी इंस्पायर होके पहना है तुमने ब्रो आई एम अ ट्रेंड सेटर लाइक दैट ट्रेल ब्लेजर पहली चीज मैं एक डांस नंबर करूँगा दूसरा सरप्राइज है क्यों बताऊँ चलो यार लियो ब्रो मैं उठ जाऊँ आप बैठे अच्छा थैंक यू आप मैं देखूंगी मैं क्वीन आप क्वीन है ऑफ कोर्स आप बैठे जो करना है वो बिल्कुल भाई भाई करेगा भाई श्योर आपके लिए नहीं हाँ उनके लिए अच्छा लियो ब्रो मेरा गाना लगा दे ब्रो डीजे वाले बाबू Myra थोड़ा स्पॉन्टेनियस स्पॉन्ट होना है
वाह भाई वाह। ब्रो मारो, ब्रो मारो सही। ब्रो, ब्रो, can I just say something? Yes, मारो। वहाँ से आप चले जाएं। मैं यकीन। लियो ब्रोज आप भी चले जाएं। मैं तो कहती हूँ ये पूरा स्टूडियो खाली हो जाए। मैं बैठ जाऊँ। और मैं और आप। मैंने बोला था ना तुझे मेरा सीन है। मेरा ही सीन है। सीन है ब्रो, सीन है। तेरा नहीं है। God, you're brilliant. मारो one last favor because he's getting. Oh God, one more. Yeah, yeah, yeah. हाँ जी। मारो। Oh, अच्छा। कोरोना के दिनों में तुम दे रहे हो इस तरह इनको। हाँ यार। ये देख सैनिटाइज कर दिया मैंने सारा फोन सैनिटाइज। मारो तुम कैसे नहीं जानती यार कैमरा खुल जाता है खुद बाहर आती है कैमरा खुद खुल जाता है। आ जा इनके साथ लेनी है। नहीं 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 मेरे साथ लेनी है। हाथ रख लो मारो। नहीं थोड़ा सा यार। नहीं चलो हाँ दिया इसकी इजाजत सिर्फ ओरिजिनल को है। कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ यार। But bro, you are just fantastic. तो वो फिर I'll call you and stuff. Okay, yeah. DM. Yeah. Call लेना मेरे में. चलता हूँ bro. दुआ में याद रखना. I apologize for that. Please don't. वैसे आपके WhatsApp पे जो हमने message किया था उसके जवाब क्या आए हैं? जी, मगर मेरे दोस्त बहुत क्या? क्या मैं बोलूँ? उन्होंने बड़ा seriously ले लिया मुझे. और उन्होंने कहा यूज उन्होंने शैम्पूस के नाम बताए हैं आपको और उसके अलावा किसी मेडिकेटेड शैम्पू वंस अ वीक आहा ठीक है उसके बाद इन दोस्त का नाम बताइएगा जिन्होंने ये कहा नरू ने नरू ने कहा है कि मेडिकेटेड शैम्पू फॉर वंस अ वीक यस और मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने लिखा है कि अंडा और दही लगाओ कंघी से कंघी सेपरेट रखो आहा अंडा और दही लगाओ कंघी सेपरेट रखो खुश्की और कोरोना दोनों से बचाओ का उन्होंने तरीका बताया बिल्कुल मुझे ये बताएं जी ये जो 1 करोड़ बंदे की फॉलोइंग है इसका भार महसूस होता है जी होता है एंड हाउ डू यू डील विद इट आई थिंक कि यू नो द फैक्ट दैट सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग यू एंड लुकिंग एट यू राइट उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और कभी कभी क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं जैसे बहुत सारे जैसे आपने ट्वीट्स पढ़ी या हम रिएक्ट करते हैं जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लेकिन क्योंकि हम पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ा सा हमें आई थिंक नाप तोल के चलना चाहिए और बोलना चाहिए सोच के बोलना चाहिए विच आई थिंक समटाइम्स आई हैवन एंड समटाइम्स आई हैव तो मुझे ये बताएं कि इन द एंड व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर योर ट्रोलर्स आई डोंट You don't have anything to say. No, why should I give him? मैं उन लोगों को क्यों अहमियत दूँ जो जिन जिनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है सिवाय किसी और की पोस्ट पे जाके किसी को गालियाँ देना किसी के माँ बाप बेटे भाई बहन whatever को इन्वॉल्व करना आई थिंक इट्स द लोएस्ट थिंग वन कैन डू एंड आई थिंक that people who are sitting there they should think ki yaar main ye likh raha hu to kya mujhe kyunki meri shakal nahi dikhti ya mera naam nahi real hai to iska matlab hai ki ye mujh par nahi hai ye aap par hi hai actually somewhere ye wapas aayega aur jis tarah bhi aayega but it's not nice and it shows a lot about the society actually don't you think yes I completely agree yeah, with you so I think it's important that I talk about people who are the followers who really you know wait for our tweets or wait for our pictures to go up what would you like to say to your followers I would like to say that thank you for dealing with my whatever I write and whatever I say because I know it's not you know I know that they also want ki yaar ek koi achi picture which I do but there are times that main kabhi poetry likh deti hu ya chai ki आपको ये पता है मैंने एक चाय की पिक्चर लगाई थी चाय की और मैंने लिखा था कि वैसे तो मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ लेकिन चाय के मामले में मैं शक्ल और सूरत ज़रूर देखती हूँ उस पर कॉमेंट था कि अल्लाह से डरो तो मैंने उसको रिप्लाई किया मैंने कहा वाह यार दैट्स अ फर्स्ट आई थॉट दैट वाज फनी चाय की तस्वीर पर भी अल्लाह से डरो ये सो यू सी हर चीज पे हाँ किसी भी चीज पे और कुछ भी कहना है मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट हो चुका हुआ है वो जो कहते थे एक चुप सौ सुख वाली चीज जो है वो बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं किया जाता सोशल मीडिया पे एंड दैट्स फाइन आई थिंक वी हैव टू होल्बैक अ लिटिल बिट आई थिंक यू हैव समड इट अप प्रीटी वेल मायरा खान मुबारक हो आप मेरी तवक्कोआत के मुताबिक
ज़्यादा नहीं घबराई और आपने घबराना नहीं एक मफहूम समझ लिया कि ठीक है जो बात है घबराना नहीं है, लेट्स फेस इट. थैंक यू वासी चौधरी, आई एंजॉयड दिस. थैंक यू सो मच मायरा, थैंक यू सो मच लियो ब्रदर्स, माशाल्लाह क्या कमाल आप लोगों ने बजाया और क्या कमाल आपने महसूस किया है. आप कुछ खास प्ले करना चाहेंगे इनके लिए एंडिंग नोट के ऊपर? अपने दिल से आप बताएं क्या आपके दिल में आता है. कैन यू प्ले सानू इकबाल चैन? ओए होए होए, स्पेशली फॉर यू मायरा खान. और अब लियो ट्विंस जो हैं वो आमने सामने हो गए हैं, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच. आपकी शादी भी बड़ी हिट थी माशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर. वैसे भी माशाल्लाह बहुत हिट थी. कौन थे जो एक्स्ट्रा आए बीच में? यार क्या कह रहे, पाकिस्तान में कुछ तो अच्छे एक्टर हैं यार, उनमें से ये नहीं है. मेरी बात हो रही है? यासर हुसैन. दुल्हन कहाँ है? I think I want to hold on. और दादा गुड न्यूज कब सुना रहे हो? कल. गुड न्यूज घबराना नहीं